अगर आप चाहते हैं कि आपके नस्लों के लिए बहुत मिले, चलो आप सारे बताएं, नस्लों में फाकर फाका छोड़ के जाना चाहते हैं, गरीबी, तंगदस्ती, बीमारियां, मुकदमात, खून रेजी, तकलीफें, लड़ाइयां, नफरतें, नाचाकियां, नहीं चाहते, फिर उनको दुआओं के तोहफे दे के जाए, बहुत मिलेगा। और अगर कोई ज्यादा दुआएं देना चाहते हैं, बड़ी दुआ देना चाहते हैं, फिर इंसानियत के लिए दुआ मांगना शुरू कर दें, और गैरों के लिए दुआ मांगना शुरू कर दें, और दुश्मनों के लिए दुआ मांगना शुरू कर दें, दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के लिए दुआ मांगना शुरू कर दें। फिर देखें, फिर तो आपकी नस्लों में वो तमंगरियां, वो माल दौलत, वो रिस्क आएगा। एक अंग्रेज ने एक बात लिखी है, उसने कहा कि काश मोहम्मद जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ताइफ में ताइफ वालों के लिए दुआ ना मांगते तो इतना इस्लाम ना फैलता। गौर से सुने, बड़ा बारीक नुक्ता है और छोटा सा फिक्रा है। ताइफ में उन्होंने तकलीफें दी, लवलुहान किया मेरे आका कमली वाले को, तो मेरे हजूर ने उनके लिए दुआएं मांगी और अपनी जात की नफी की, शायद मैं इनको समझा ना सका। नबी की बात वो होती है जो समझ में आ जाती है, अपनी जात की नफी की और उनके लिए दुआ मांगी, और यहां तक फरमाया अल्लाह अगर इनके हक में हिदायत नहीं भी है, चलो इनकी नस्लों में, और ये मोहम्मद बिन कासिम उसी कबीले से, सकीफ, कबीला सकीफ से आया जिस कबीले ने पत्थर मारे थे, और आज सारा बर्रे सगीर, हिंद और सिंध मोहम्मद बिन कासिम की मेहरबानियों का आज तक जो है मकरूज है, कर्ज नहीं अदा हो सकता। हिंद भी और सिंध भी, मुल्तान तक सारा सिंध है, मुल्तान तक सारा सिंध है, और मुल्तान के बाद आगे सारा हिंद है, ये हम हिंद में बैठे हैं। हिंद और सिंध मकरूज है। फिर सुने, उस अंग्रेज ने बात जो लिखी, मुस्तशरक ने, उसने बात लिखी कि काश के मोहम्मद दुआएं ना मांगते। उन्होंने ये जो दुआ मांगी है ना, इस दुआ की वजह से इतना इस्लाम फैल गया है, इतना आलम में मदीने वाले के नाम का बोलबाला हो गया है, और इतना इंसानियत को खैर और बरकत मिल गई है। उन्होंने दुआ ना मांगी थी, ये दुआओं की बरकत है, ये दुआओं का वसीला है। आज आप काली देवी के चरणों में नहीं बैठे, सोमनाथ की घंटियां नहीं बजा रहे, आपके नाम के साथ नस्बत मोहम्मद और अहमद और हसन और हुसैन और अब्बास और अली और उस्मान और सिद्दीक और फारूक हैं, आज आपके साथ ये नस्बतें हैं, ये उस दुआ की ताकत है, ये उस दुआ की बरकत है, जिस दुआ को मेरे मदीने वाले ने मांगा था और फैसले करा लिए थे, ये उस दुआ की ताकत और बरकत है। मैं कहता हूं दुआएं तो लिखी जा रही होती हैं, क्योंकि अल्लाह ऐसा करीब है, बंदे की छोटी छोटी नेकी अल्लाह कहता है लिख दो, इससे पता नहीं लिख दो,